हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज अपनी हम इस वीडियो में जानेंगे टॉर्ट और क्राइम में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉर्ट इज़ ए प्राइवेट और सिविल लॉन्ग। टॉर्ट जो कि प्राइवेट और सिविल लॉन्ग में आता है, वही क्राइम जो है वो पब्लिक रॉन्ग है। यानी प्राइवेट और सिविल लॉ का मतलब किन्हीं दो लोगों के बीच की बात है ये, और ये सोसाइटी से जुड़ा हुआ क्राइम है। टॉर्ट बिलोंग्स टू इंडिविजुअल। टॉर्ट जो है किन्हीं दो लोगों के बीच की बात करता है, और जहाँ क्राइम जो है वो सोसाइटी से बिलोंग करता है, जिसके एग्जाम्पल है न्यूसेंस, डिफेमेशन, ट्रेसपासिंग। ये टॉर्ट के एग्जाम्पल हैं। वहीं क्राइम के एग्जाम्पल हैं मर्डर, थेफ्ट और रॉबरी। यहाँ आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ टॉर्ट की जगह क्राइम है। टॉर्ट जो है वो कम सीरियस है एज़ कम्पेयर टू क्राइम। क्राइम जो है वो ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि ये सोसाइटी पर इफेक्ट डालता है। यहाँ ये कम सीरियस इस वजह से कह रहा है क्योंकि किन्हीं दो एक दो बंदे जो है एक दूसरे को डिफेम कर रहे हैं, या किसी का कोई ट्रेस पासिंग कर रहा है, तो ये दो लोगों के बीच की बात होती है। वहीं मर्डर और थेफ्ट जो है, अगर उसको स्टॉप नहीं किया गया तो सोसाइटी में और बुराई आ जाती है, जो कि ज़्यादा सीरियस बात होती है। टॉर्ट इज अनकोडिफाइड। टॉर्ट अनकोडिफाइड है। इसका क्राइम की तरह आईपीसी या सीआरपीसी या सीपीसी में नहीं है रेफरेंस। ये जुडिशियल डिसीजन पे बेस्ड है। हर टॉर्ट का जुडिशियल डिसीजन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट आता है। वहीं क्राइम जो है वो कोडिफाइड है, आपकी जैसे कि आप जानते हैं आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी। टॉर्ट में रॉन्ग डूयर जो है वो लाइबल होता है पनिशमेंट के लिए। कोई एक बंदा दूसरे को डिफेम कर रहा है, और दूसरा बंदा अगर लॉ सूट फाइल करता है पहले के अगेंस्ट, तो पहला वाले बंदे को लॉ सूट से रिजल्ट ये मिलेगा कि उसे पनिशमेंट मिलेगा। वो मनी से भी रिलेटेड हो सकता है। वहीं इधर रॉन्ग डूयर जो होता है उसको पनिशमेंट मिलता है, इम्प्रिशमेंट यानी जेल भी मिल सकती है और फाइन भी मिल सकता है। टॉर्ट में सिविल प्रोसीडिंग होती है, वहीं क्राइम में क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है। लॉ सूट जो है, जो केस जो होता है, वो टॉर्ट में इंडिविजुअल के अगेंस्ट फाइल होता है, यानी एक बंदा दूसरे बंदे के अगेंस्ट फाइल करता है। वहीं क्राइम के अंदर स्टेट लॉ सूट जो फाइल होता है वो स्टेट के नाम से होता है। कंप्रोमाइज यानी दूसरों एक दूसरे के बीच में जो सुलह सफाई होती है वो टॉर्ट के अंदर हो सकती है किसी भी स्टेज के अंदर। रॉन्ग डूअर एंड सूट कैन बी विदड्रॉन अकॉर्डिंगली। रॉन्ग डूअर और डिफेंडेंट जो एक बंदा जो दो बंदे हैं उनके बीच में सुलह सफाई हो सकती है, और केस विदड्रॉ हो सकता है किसी भी स्टेज में। क्राइम के अंदर ये चांसेस नहीं होते हैं कंप्रोमाइज के, क्योंकि ये सोसाइटी से रिलेटेड होता है, तो इसमें सूट जो केसेस होते हैं वो विदड्रॉ नहीं हो सकते। जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, और जो बंदा जिसका हुआ है मर्डर उसका कोई रिलेटिव कहे कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता उसको, क्योंकि ये सोसाइटी से जुड़ा हुआ केस है, तो इसमें कोर्ट ही डिसाइड करेगा। जबकि इसमें दो पर्सन आपस में सुलह सफाई से केस को विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आजकल एक पॉलिटिशियन दूसरे पे अगर डिफेमेशन केस करता है, तो लास्ट में आके वो लोग सुलह सफाई कर लेते हैं और केस विड्रॉ हो जाता है। नेचर ऑफ रेमेडी इज कंपनसेशन ऑफ डैमेजेस। इसमें जो रेमेडी है वो कंपनसेशन है डैमेजेस का, जो कि मॉनेटरी भी हो सकते हैं, विच इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं कि जिसका पहले से डिफाइन नहीं होता है, प्री डिफाइन नहीं होते। जैसे दो लोगों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये पहले ही डिसाइड हो जाता है कि अगर ये काम पूरा हुआ तो आपको ये अमाउंट मिलेगा, अगर काम पूरा नहीं हुआ तो आपको ये अमाउंट नहीं मिलेगा। वो होते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। लेकिन ऐसे डैमेजेस जो पहले से डिफाइन नहीं होते उन्हें कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेज, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। जैसे कोई किसी को डिफेम कर रहा है, या कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गए, तो वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में आते हैं। नेचर ऑफ रेमेडी इज पनिशमेंट। इसमें पनिशमेंट भी होता है और आपके फाइन भी होते हैं। इट मे बी इम्प्रिशमेंट। इम्प्रिजमेंट इम्प्रिजमेंट मीन्स कि आपको जेल हो सकती है, और कैपिटल पनिशमेंट भी, और कोई कैपिटल पनिशमेंट यानी फाइन भी आपके ऊपर आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग लॉ मैग्नेट। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, एलएलबी के फेसबुक ग्रुप में हमारी वीडियो को शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।